हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। मैथ में अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। ये किसी क्लास का पढ़ाई नहीं है, ये आपको लगभग सिक्स क्लास से सिक्स सेवन एट नाइन टेन सभी क्लास में ऐसा मैथ देखने को मिला होगा। तो इसको आज हम लोग जोड़ने के लिए सीखेंगे और घटाने के लिए सीखेंगे। कैसे हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे? आज सिर्फ जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आज सीख लोग इसको जोड़ने के सीखेंगे, वो भी दो तरीके से। अगले वीडियो में घटाओ, गुणा, भागा, ये सब सीखेंगे। लेकिन आज चलिए हम इसको जोड़ेंगे, और भी दो तरीके से कैसे जोड़ेंगे चलिए शुरू करते हैं। ये जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि सजातीय पद किसे कहते हैं, बीजातीय पद किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे का आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो चलिए हम अभी बताएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको बोलते हैं सजातीय पद, किसको बीजातीय पद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या, आपको इसको और इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो जैसे वैसे आप ले लीजिए, जोड़ना है ना, तो और भी जाओ लिखेंगे प्लस, जोड़ना तो क्या लिखेंगे प्लस, दूसरा जैसे वैसे ले लीजिए। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो फिर से इसको जैसे है फिर से वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर, इसको भी ब्रैकेट से बाहर करेंगे। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस। तो प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर इसको लिखेंगे, तो कोई चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, या प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, लेकिन अभी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये जैसे है उसी तरह से रह जाएगा। हो गया ना। अब आपको मिलाना है, क्या मिलाना है, सजातीय पद। जो भी बताए थे कि सजातीय पद क्या होता है, अभी आप जान जाओगे, ये आप जान लीजिए। सजातीय पद का मतलब होता है बिल्कुल देखने में एक जैसा रहना चाहिए, मतलब उसमें चर राशि सेम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं चर राशि। ये देखिए सेम है, अगर आपको चर राशि या चर राशि सब नहीं मालूम है, या सजातीय पद बीजातीय पद नहीं मालूम है, घातांक के सब नहीं मालूम है, इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो असल वो लंबा वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल से क्या है एक्सप्लेनेशन है, आप उसका लिंक देख सकते, लिंक इसमें डाल दिया गया है, उससे आप देख सकते हो। देखिए इसको बोलते हैं सजातीय पद, ये दोनों मिल गया, लेकिन जल सेम, ये दोनों मिला कि नहीं मिला, ये दोनों सजातीय पद, ये दोनों की जल लिखी है, लिख दीजिए टू वेक्स। क्या है, माइनस लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, आपको ये नहीं लिखना, अब ये लिखना है, ये लिखेंगे क्या है, इसका साइन प्लस, इसका साइन लिखना है प्लस। चलिए इसका काम करता हूँ, ये दोनों देखिए मिल गया मेरा ना, बाय बाय है ना, बाय बाय नहीं, यहाँ पर वाई वाई मिला, यहाँ पर देखिए माइनस थ्री वाई है, तो माइनस थ्री वाई, यहाँ पर सेवन वाई, हो गया ना। अब आप देखिए ये एक जोड़ा हो गया, जिसका काम होने वाला है, इसका भी काम होने वाला है, इसको काम कीजिए, दोनों का साइन एक जैसा है, जब भी साइन आपको एक जैसा रहेगा, मतलब सेम साइन रहेगा ना, सेम साइन, आप ऐड कीजिएगा, क्या कीजिएगा ऐड, और डिफरेंट साइन रहेगा, डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग साइन रहेगा तो क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर दोनों सेम साइन है, इसका कहाँ सेम साइन है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ है नहीं, है कुछ नहीं तो प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। तो ये दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, तीन दो पांच, साथ में एक से दो एक। अब यहाँ देखिए दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा आपको उसका साइन लिखना है, ये दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा इसका साइन प्लस, यहाँ लिख दीजिए प्लस। लेकिन आगे जनरली हम लोग प्लस नहीं लिखते, तो प्लस लिखते हैं इसको मिटा देंगे, आप लिख भी सकते हो ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, इस माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस मतलब डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, घटाइए, सात में से तीन जगह तो कितना हो जाएगा चार, साठ का वाई है ना वाई। अब सर यहाँ प्लस लिखे या माइनस या कुछ नहीं लिखे, नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, तीन बड़ा कि सात बड़ा, तीन बड़ा है क्या, सात बड़ा है, तो सात बड़ा है तो सात का साइन क्या प्लस, प्लस। ये था आपका एक तरीका। अब दूसरा तरीका में क्या करेंगे, दूसरा तरीका में जो क्वेश्चन है वो आप लिख दीजिए, टू एक्स माइनस थ्री वाई, लिख दिया ना टू एक्स माइनस थ्री वाई। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, थ्री एक्स है ना, तो एक्स कौन है, ये है ना, इसी के साथ लिखेंगे प्लस सेवन वाई, प्लस सेवन वाई। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन घटाओ, घटा दीजिए, सात से तीन जगह तो चार वाई,
चार लाइन हुआ ना। अब यहाँ देखिए जो तो बारह कौन है, ये बारह है इसका साइन प्लस ये दोनों देखिए सेम साइन है ना, तो सेम साइन है तो दोनों को जोड़ देंगे तीन दो पांच बारह कौन है ये इसका साइन प्लस आप प्लस लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते कोई नहीं, दोनों देखिए मिल गया क्या, तो मिल गया तो बना हुआ सही है। अब आप बताइए आपको कि आपको दोनों में से इजी कौन लगा, ठीक है ना, आप देख रहे हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा कि आपको फर्स्ट मेथड इजी लगा या सेकेंड मेथड इजी लगा। हमको तो भाई दोनों मेथड इजी लगा, आप अपना आपका क्या व्यू है क्या विचार है वो आप बताइएगा कौन मेथड अच्छा लगा। चलिए हम दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पहला हम इस तरीके से बनाते हैं, जो है वो लिख दीजिए, पहला ये नियम है कि सर जो है वो लिख देना है, लिख दिया हाँ लिख तो दिया। चलिए जो और जगह पर क्या लिखेंगे, जो किस जो है वो लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर आएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर आने के लिए लिखी है तो सर जब ऐसा लिखा है तो इसको ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। ब्रैकेट इसे लिखते हैं कि घटाव में इस तरीके का तरीका होता है, घटाव में चेंज होता है, जब हम घटाव बताएंगे उसमें आपको बता देंगे क्यों ब्रैकेट लिखते हैं। अभी जैसे वैसे लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस है तो ये सब जैसे वैसे लगा, माइनस है तो माइनस टू भी प्लस ए माइनस वन बाई थ्री, देखिए कोई चेंज नहीं किया, जो था वो लिखिए यहाँ भी जो था वो लिखिए, प्लस लिखते क्यों क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस ये होता है इसीलिए। और नहीं तो यहाँ पर जब भी प्लस रहेगा तो अंडा जैसे रहेगा उसे लिख लीजिएगा, लिख दिया ना ये नहीं लिख के अंडा जैसे रहेगा उसे लिख दीजिएगा। अब आपको मिलाना है कैसे मिलाते हैं एक जाति का, ए वाला नहीं ए वाला कहाँ है यहाँ पर है यहाँ पर इसको एक जगह लिख दीजिए, माइनस फाइव बाई फोर ए ये है प्लस बी वाला यहाँ है और यहाँ ये दोनों को भी साथ लिख दीजिए, टू बाय थ्री बी यहाँ माइनस टू बी और ये तो सिंगल है ये सी रह गया नहीं इसे एक साथ कुछ नहीं है इसे भी एक साथ कुछ नहीं है एक साथ। अब आपको करना क्या है ना, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना भिन्न दिख रहा है भिन्न फ्रैक्शन, तो जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा तब आपको क्या करना है साइड में भिन्न का जोड़ा कर लेना, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है कॉन्स्टेंट देखिए चर राशि नहीं अचर राशि लिखिए, अचर राशि यहाँ पर माइनस पांच बटे चार है, संख्या वाला क्या है माइनस पांच बटे चार प्लस प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है एक है क्या लिख दीजिए ए। अब ये दोनों को भीम का जोड़ दीजिए, भीम का जोड़ करना आता है आप लोग को, आता ना भीम का जोड़ करने कीजिए कैसे करते हैं भीम का जोड़ ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ कितना है माइनस एक बटे चार बारह ही है ना इसका सर माइनस माइनस एक बटे चार या लिख देंगे माइनस एक बटे चार माइनस एक बटे चार ए सब में ए हो गया। चलिए अब ये दोनों देखिए ये दोनों सेम है, ये था आपका सेम अब ये है सेम, ये दोनों काट लो यहाँ पर टू बाई थ्री है लीजिए टू बाई थ्री यहाँ पर माइनस टू है यहाँ पर माइनस टू। अब इसका भी का जोड़ रख लीजिए तो भी का जोड़ रख लीजिए तो कितना जाएगा माइनस फोर बाई थ्री हो जाएगा ना, तीन दो छः छः में से दो जाएगा तो चार, तो चार बटे तीन इसको यहाँ पर लेंगे माइनस चार बटे तीन साथ में बी है तो बी। अब इसको भी इसी तरह से भी का जोड़ कर लेंगे, भी का जोड़ बटा साइन कहीं कर लेंगे, तीन जगह तीन किया नौ नौ में से एक जगह तो आठ बटे तीन बारह ये इसका साइन प्लस, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो सर इसको तीस तरीके से बनाइए, इसको हमको सेकेंड मेथड बताइए, जैसे हम सेकेंड मेथड भी आपको बता देते हैं। सेकेंड मेथड में करना क्या है कि आपको जो पहले दिया हुआ वही दीजिए, क्या दिया माइनस फाइव बाय फोर ए प्लस टू बाई थ्री बी टू बाई थ्री बी देखिए क्वेश्चन क्या है प्लस थ्री यह वो क्वेश्चन है हो गया। अब दूसरा पार्ट यह है ये लिख दीजिए माइनस टू बी बी वाला कौन है ये ना इसके सामने लिखेंगे माइनस टू बी ए ए वाला ये ना इसके सामने लिखेंगे ए माइनस वन बाई थ्री इसके सामने लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करना है तो उसी तरह से करेंगे यार के प्लस और माइनस माइनस है इसको भी जैसे आपने भी का जोड़ कैसे किया है वैसे ही ये दोनों को क्या कीजिए भी का जोड़ कर लीजिए, तो भी का जोड़ कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा एट बाई थ्री बड़ा ये है ना इसका साइन प्लस नहीं पता चला कैसे हुआ देखिए दिखा रहे तीन है यहाँ पर तीन यहाँ पर माइनस सी बोला तीन भी का जोड़ कीजिए तीन यहाँ तीन तीन नौ माइनस वन
नौ से गया तो आर बचते बारह यह दशाएं कुछ नहीं तो प्लस, तो इसलिए प्लस में लिखेंगे। उसी प्रकार इसको भी भिन्न जोड़ना कर लीजिए, दो बटा तीन है, दो बटा तीन लिख लीजिए जैसे यहाँ पर लिखे हैं, माइनस टू लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए कितना है माइनस फोर बाई थ्री ना, तो जब भी भिन्न वाला आ जाएगा ऐसा अलग कहीं कर लीजिएगा, साथ में बी है तो बी, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे दोनों अलग अलग, यहाँ पे माइनस फाइव बाई फोर है ना, तो माइनस फाइव बाई फोर ऐसे लिख लेंगे, या कुछ नहीं ना है तो कुछ नहीं एक रहता है, कुछ नहीं रहता है क्या रहता है एक, आप हमेशा याद रखना कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा एक, यहाँ पर एक है तो एक ले लीजिए। अब इसको भी कर जोड़ कर लीजिए, भी कर जोड़ कर लिए तो माइनस एक बटे चार, तो माइनस एक बटे चार साथ में ए है तो ए, देखिए दोनों का आंसर मिल गया हमें। तीस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। चल थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन उसको हम बनाए, हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बना लो, सेकंड तरीका से बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस फाइव, ये लिखा हुआ है ना। अब क्या जो ये जोड़ना टू ए बी, ए बी वाला ये नहीं है, देखिए ध्यान से यहाँ ए बी है, ए बी वाला कोई है स्क्वायर नहीं, ये ए स्क्वायर बी है, ये ए बी स्क्वायर है, हमको ए बी नहीं है ना, उसको साइड लिखेंगे, कहा लिखेंगे साइड में, सर प्लस भी लिखी है क्योंकि आपको कोई साइड नहीं है तो क्या लिखना पड़ता है प्लस। अब माइनस फाइव ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी वाला कौन है, ये ना है, इसके सामने लिखेंगे सब, हम सामने सामने लिखते हैं, अब इसको जोड़ लीजिए, इसका कोई काम नहीं रहा, इसी रह गया टू ए बी, इसका प्लस पांच इसी हो गया, ये इसका भी कोई काम नहीं रहा, माइनस टू ए बी स्क्वायर, ये देखिए अलग अलग साइन डिफरेंस है तो घटा देंगे, तो पांच में से तीन जाएगा तो क्या हो जाएगा दो ए स्क्वायर ऐसा। अब ये हो गया, अब इसको भी तो जोड़ना है, अब ये देखिए पांच है तो पांच इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पांच है इसलिए नहीं, पांच है यहाँ पर इसलिए नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस, माइनस का अलग अलग साइन तो घटा देते हैं तो घटा दिए हैं। अब ये दोनों बड़ा कौन है ये देखना होता है आपको, हम भूल गए थे भी बताना, ये दोनों बड़ा कौन होता है, ये दोनों बड़ा देखिए यहाँ पर पांच है ना, इसका साइन क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस इतना देखिए भूल गए थे, ये गलती हो जाता है, अगर माइनस हम छोड़ देते ये छोटा सा गलती है जो लगभग सभी लोग कर देते, अभी हम भी गलती कर दिए थे, ये इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, इस पर ध्यान देना, तो आप हमेशा ध्यान दोगे जो बड़ा होगा, बड़ा यहाँ पर ये था इसका साइन था माइनस, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, अगर ये बड़ा है या बड़ा था ऐसा प्लस, यहाँ क्या देते प्लस, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या देंगे हम माइनस, ठीक है। चलिए अब अगर ये पांच है तो इसके सामने लिखेंगे पांच, आगे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है इसके सामने लिखेंगे माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, प्लस सेवन ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर वाला इसके सामने लिखेंगे प्लस सेवन ए बी स्क्वायर, और कुछ है इसमें नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने क्या लिखिए, इसमें कोई काम नहीं है, टू ए बी सी रह गया प्लस का प्लस रह गया, ये पांच और पांच दस क्यों जोड़ दिए सर, एक जैसा साइन सेम साइन ऐड, पांच पांच दस दोनों तो बराबर ही है तो प्लस लिख दीजिए, अलग अलग साइन डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन तो घटा दीजिए, घटा दीजिए तो साथ में सुधर जाएगा तो पांच ए बी स्क्वायर, ये दोनों बड़ा कौन है, ये दोनों बड़ा ये है जिसका साइन प्लस, अगर देखिए सेम साइन है तो जोड़ दीजिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं घटाओ है तो घटा देते हैं, घटाना नहीं है सेम साइन है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तीन दो पांच ए स्क्वायर बी, अब यहाँ देखिए बड़ा ये है इसका साइन माइनस, क्या करेंगे माइनस, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये था आपका एडिशन, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे जो लिख के बना रहे हैं ना उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आप उस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, अगर जगह लगता है इसको उस तरीके से भी बना देते, तो सिर्फ चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो में हम इसको क्या लेके आएंगे सब्ट्रैक्शन घटाओ, आज एडिशन था, अगला पार्ट में घटाओ पढ़ेंगे, चलिए आज के लिए धन्यवाद।